आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतने आराम से मटर गश्ती करते हुए क्यों चल रहे हैं। तो ऐसा है बराबर, हमें कहीं पहुंचना ही नहीं है। पीछे मैं तुम्हारी तरह। और आज का प्रसाद मैं गया अंदर, कड़ी सब्जी, दो सब्जी है, गाजर का हलवा। दोपहर के अभी 2 बजे और सीताराम बाबू के आश्रम में भोजन प्रसाद कर विश्राम कर रहे थे। अब यहाँ से मैया के किनारे का रास्ता है, तो किनारे से हम आगे बढ़ेंगे। और आश्रम से ये नीचे सीढ़ियों से उतरते हैं, तो यहाँ से पैदल रास्ता है और मैया के दर्शन कीजिए। यहाँ से मैया में यहाँ पर पानी बहुत ही कम है, और इधर से अभी किनारे किनारे चलते जाना है। चलिए अभी उतरिए। आश्रम से नीचे आए तो यहाँ पर देखिए मैया का स्वरूप, पानी बहुत ही कम है, कल कल करती बह रही है। तो हमने यहाँ पर दुकान लगा दी और स्नान करेंगे। ओके गणपत जी, बराबर। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर मैया का भाव देखिए। और स्नान कर यहाँ से हम आगे बढ़ रहे। और आज एक कमेंट आई थी कि नर्मदेश्वर शिवलिंग हर किसी तक पहुँचे, ऐसा क्या बोले उपाय करिए। तो देखिए मैया में शिवलिंगों की कमी नहीं है, मैया में हर कंकर शंकर है, मगर इन्हें हम उठा के नहीं घूम सकते, ना ही परिक्रमा के दौरान किसी के वहाँ भेज सकते, इतनी व्यवस्था नहीं कर पाते। तो जिनको भी सही है कमेंट कर सकते, व्हाट्सएप कर सकते, परिक्रमा के बाद प्रयास करेंगे। बराबर है गणपत जी, क्योंकि हम यहाँ पे शाणोद कुबेर भंडारी वगैरह आते रहते, तो यहाँ से नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते रहेंगे। देखिए बहुत प्यारे प्यारे शिवलिंग है यहाँ पर, और जो शिवलिंग होते वो नर्मदेश्वर यही होते जो नर्मदा मैया से पाते। अब उसकी बनावट पे ध्यान मत दीजिए कि बकावा के बिल्कुल गोल गोल आते। और यहाँ चलते चलते रास्ते में देखिए बहुत सारे वैसे शिवलिंग हैं, हमें एक शिवलिंग मिला, ये बिल्कुल प्यारा और वजन भी नहीं है। साथ में रखना है क्या? ठीक है, साथ में रखते, किसी को दे देंगे आगे, माई भक्त को, शिव भक्त को, क्योंकि इसमें वजन नहीं, मैं रख दूंगा भाई। बहुत ही प्यारा, नहीं देखो हर कोई है मगर इसमें वजन नहीं है, कम है। ठीक है हम रख देते हैं, चलो पूजा में रखेंगे, किसी को दे देंगे। और यह मैया के किनारे किनारे हम उत्तरवाहिनी परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं, वो सामने तिलकवाड़ा है, और वहाँ से उत्तरवाहिनी परिक्रमा की शुरुआत होती है। वैसे बहुत से रामपुरा से भी करते हैं, जो तिलकवाड़ा से करते हैं यदि करे हो, हाँ हाँ, जो तिलकवाड़ा से शुरू करते हैं वो रामपुरा से तट परिवर्तन कर वापस सीताराम बाबू के आश्रम से यहाँ किनारे किनारे आते, और यहाँ से नाम में बैठ के सामने के तट पर जाते, और वहाँ पर उत्तरवाहिनी परिक्रमा पूर्ण होती है। और वो सामने रहा तिलकवाड़ा का आश्रम वासुदेव कुटीर, जहाँ पर
श्री त्र्यंबे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने चतुर्मास किया था और वहां पर मारुति धाम भी है सामने के तट पर। कहते शिवाजी के गुरु श्री रामदास जी ने यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना की थी और रामचंद्र जी जब वनवास को निकले तो यहीं से नर्मदा मैया को पार कर दक्षिण की तरफ गए थे ऐसा बताते हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से नर्मदा मैया फिर से यू टर्न लेकर उत्तर की तरफ से पश्चिम की तरफ बह रही है, इसीलिए रामपुरा से यहाँ तक का क्षेत्र उत्तरवाहिनी कहलाता है कि इतने क्षेत्रफल में मैया उत्तर की तरफ बहती है और यहाँ से वापस पश्चिम की तरफ बहती है। और यहाँ पर रास्ता नहीं है, रास्ता ढूंढते हुए बनाते हुए निकलना है क्योंकि परिक्रमावासी पीछे सड़क मार्ग से निकल जाते हैं, यहाँ पर बहुत कम आते हैं तो यहाँ पर पगडंडी भी है नहीं। और देखिए रेतीली जमीन पर खेती की हुई है, तुअर किए है, वाल किए है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी रेती में रास्ता बना रहे। और यहाँ से मैया का पात्र देखिए, हे माता रमदे, उतरने का है क्या? नीचे ज्यादा है। और ये देखिए मैया ने बाढ़ में कहाँ कहाँ से उठाकर पेड़ कहाँ कहाँ रख दिए। हाँ ये बांस देखिए, बांस जेसीबी से नहीं निकलते और मैया ने पता नहीं कहाँ से उठा के इधर रख दिए। चलो चलो सीधे सीधे, ये रिश्ते घनघोर है तो इससे और ज्यादा घनघोर आएगा भाई, बढ़ते जाओ। और थोड़ा चलने के बाद पत्थर वाला रास्ता पूरा हो जाता है और ये रेत वाला मार्ग आता है। अब यहाँ आकर हमारे गणपत जी को किनारे के मार्ग की अहमियत पता चल रही है। बराबर है, हाँ अच्छा लग रहा है। कैसे क्या, कहाँ से बोल रहे हो? मुँह से बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ ठीक ठीक, चलिए फिर, अच्छा लग रहा है तो चलिए, दिक्कत कहाँ है, चलते रहिए। हाँ और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतने आराम से मटर गश्ती करते हुए क्यों चल रहे हैं, तो ऐसा है। बराबर, हमें कहीं पहुंचना ही नहीं है। पीछे मांगरोल में हमें वीणा बहन मिली थी उनके परिवार के साथ, वो गाड़ी लेके जा रहे थे तो उन्होंने हमें पहचान लिया, तो उन्होंने उन्हीं के वहाँ आज रुकने का आग्रह किया है, तो हमें सिर्फ वहीं जाना है, वहाँ आगे तक, यहीं पर उनका फार्म हाउस है। तो आज की रात्रि हम विश्राम यही करने वाले, और बाद में भूल जाए तो बता देते कि आज की हमारी यात्रा होगी वो भाई फिसलना नहीं है, फिसलो है, उतरो, फिसलो फिसलो फिसलो, जाओ जाओ जाओ। धोती में थोड़ी रेत फंसा दूंगा। ठीक है, अपनी यात्रा बता दो, चालू है। हाँ हाँ, चलिए आज की हमारी यात्रा मुश्किल से 8 किलोमीटर होगी। बराबर, कहना भूल जाए तो याद रखना क्योंकि बाद में हम भूल जाते। चलते रहिए भाई, चलते चलते रास्ते में थक गए तो या
क्या बोलते इसको, अरंडी, अरंडी, अरंडी के खेतों में सांप देखकर विश्राम के लिए बैठे। और देखिए ये दंड हमने यहाँ पर स्थापित कर दिए। बराबर, ठीक है, जलपान करिए भाई। चलो भाई गति करे, क्योंकि शाम के अभी 4 बज रहे, मंजिल पर भी पहुंचना है। और इस तरफ से हम चलते हुए आ रहे मैया के किनारे किनारे खेतों पे, और ऊपर एक पत्थर की बाउंड्री है। मेरे ख्याल से यही वीना बहन का आश्रम है, फार्म हाउस। अब नंबर तो हमने लिया नहीं। चल रहे, देखते, दरवाजा खटखटाते। बराबर, और ये भैंसे हमें देखकर भाग रही है, डर भी रही है और डरा भी रही है। जाने दे उनको, वो क्योंकि वो इधर भागी तो हम बहुत बुरे फंसेंगे भैया, भैंसों का मुझे पता है, भगा भगा के मारेंगी। चलो, हाँ गेट है, चलो फिर। और यह है सहराव गांव, पूरी दीवार पत्थरों से बनाई हुई है। ये सीधा रास्ता गांव में जाता है। और ये वीणा बहन का जो फार्म है बिल्कुल मैया के किनारे पर है, और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर देखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग भी स्थापित है, और इसके पीछे एक मंदिर भी बन रहा है। और यहाँ पर आकर हम पौआ और चाय का बाल भोग पा रहे, कीजिए ग्रहण। और इस तरफ ये सामने राम जी और हनुमान जी का मंदिर बन रहा है। क्या है, पहचानते है क्या तुमको? आओ इधर, धोती फाड़ रहा है। बस 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 बस, हमको डर लगता है भैया। बस तुम खेलो दोनों। खाली है हाँ। और यहाँ पर इन्होंने नर्मदा मैया को स्थापित किया हुआ है। बस बेटा, भाई और ये नर्मदा कुंड बनाया हुआ है। ओए भाई, शांति रखने क्यों परेशान कर रहा है? और देखिए यहाँ नर्मदा मैया है, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर शिवलिंग स्थापित है। और यहाँ ऊपर से उतर कर मैं नीचे आया हूँ, ये इनकी बाउंड्री वॉल है, तारबंदी। ये देखिए दीवार मैया की बाढ़ में टूट गई है, इतनी बड़ी दीवार बनाई थी वो भी टूट गई है।
और यहाँ से मैया के दर्शन कीजिए। और आज हमने यहाँ पर आसन लगाया। ओके, क्या कर रहे तुम? टॉयलेट बाथरूम भी इधर ही है। दोस्ती कर दीगी क्या? और बेटा क्या है, क्या है, मोबाइल खाएगा क्या? घूम घूम, बस 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 जा यार, तू डरा मत। भैरव नाम क्या है? मेरे को क्या पता इसका नाम, किसी को पूछा है? तेरी तोती फाड़ेगा क्या? मतलब दोस्ती मत कर, डर लगता हमको तेरे दांतों से। तो एक बाबा जी से दोस्ती कर ले, हमसे मत कर। और शाम के अभी 6 बजे, और अभी हम पूजा पाठ कर लेते, फिर वीणा बहन जो आरती करती उसमें भी सम्मिलित होना है। और यहाँ पर देखिए गणपति जी ने मैया का आसन लगा दिया है, हम भी लगा देते। और इसमें मेरा सारा पूजा का सामान आ जाता है छोटी सी बैग में। पकड़िए गणपति जी, जिस तरह इधर रखिए, मैया का आसन लगा देते। लोटी आ गई, ये दीपक आ गया, और ये आ गई मैया। स्थापित करो, आसन ग्रहण करो। बराबर, ये आ गई माला। बस इतना ही है सामान मैया। और यहाँ पर एक ढोकर रखो, ये आगे गणपति और मैया की तस्वीर भी बाकी है। ओके, बहुत से लोग कहते रहते कि पूजा पाठ कर लीजिए, देखा होगा पूजा पाठ में हम कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं, क्या देख रहे हैं, आरती कर लेते हैं, नर्मदा अष्टक पढ़ लेते हैं, बराबर। और यहाँ पर वीणा बहन ने एक गिर गाय, नस्ल की गाय भी रखी है, गौ माता। और गौ माता के लिए यहाँ पर उत्तम व्यवस्था भी है। और यहाँ पर लगातार कंटिन्यू गायत्री मंत्र बजता रहता है। और आज का प्रसाद कड़ी, सब्जी, 2 सब्जी है, गाजर का हलवा, बाजरे की रोटी, खिचड़ी, पापड़। और यहाँ पर देखिए हमारे आसन लगा दिए, और गणपति जी अभी अपना होमवर्क कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचे, कितने किलोमीटर पहुँचे, 8 किलोमीटर। बहुत खुशी हुई, और बिस्तर देखिए आज मैया की कृपा से इतना भी सॉफ्ट होता है। और आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते, ओके।
और बहुत से लोगों को ऐसा होगा कि यहाँ पर रुके और वीणा बहन के दर्शन नहीं करवाए, तो वीणा बहन अभी यहाँ से गए, हमारे साथ बैठे थे सत्संग के लिए, मगर वो वीडियो में नहीं आना चाहते थे। तो जिनको वीणा बहन के दर्शन करने, वो पुराने वीडियो देख सकते, बराबर। तो आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर नर्मदे हर।